राजपूत क्षत्रिय समाज एवं हिंद संगठन की ओर से आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि फिल्म पद्मावती को रिलीज न करें, इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। उनका यह भी कहना था कि भारत सरकार इस फिल्म पर बैन लगाए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने संजय लीला भंसाली के पुतले पर जूतों से पिटाई की। राजपूत समाज की ओर से जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पद्मावती फिल्म के बारे में, तो आपका क्या कहना? मेरा कहना तो यही है, जैसे आज 1.5 साल पहले श्री राजपूत कन्या चैनल ने ये मुद्दा उठाया था, भंसाली को मारा, कोल्हापुर ने सेट जलाया और ये भंसाली इतने सबक से नहीं माना, तो आज ये चिंगारी पूरे देश में हर हिंदू, जो आज अहमदाबाद में आपने देखा था 12 तारीख में 5 लाख राजपूत मैदान में था और ये अपनी TRP बढ़ाने के लिए राजपूतों की परीक्षा ले रहा है। मैं भंसाली नहीं, भंसाली तो खत्म हो चुका राजपूतों के सामने, लेकिन भारत सरकार से विनती करता हूँ, अगर पूरे देश का राजपूत राजपूत के सपोर्ट में पूरा हर हिंदू समान में खड़ा है तो भारत सरकार की नींद क्यों नहीं उड़ रही? अगर लाखों की तादाद में राजपूत और हिंदू मैदान में आते हैं और जैसे कोटा में आपने देखा था जो करनी सैनिकों ने वो भी एक जलवा दिखाया और उसके बाद में भी, और मेरी तो खुली चुनौती है कि सभी राजपूत करनी सैनिक है और 1 तारीख को जो थिएटर में फिल्म चलेगी वो थिएटर चलेगा। आने वाले दिनों में जैसे इस बारे में आप क्या कहोगे? सेंसर बोर्ड ने तो अभी तक फिल्म देखी नहीं है। सेंसर बोर्ड ने, लेकिन आपके थ्रू हमको एक मैसेज मिला था कि ऐसी फिल्म बन रही, लेकिन जो आज बड़ा सबूत आपके सामने है, जो एक डांसर दिखाया गया था, आज राजपूतानी की ड्रेस आपने देखी, लेकिन राजपूतानी का 1 इंच भी शरीर नहीं दिखता है और वो मामूली सी पादुकड़, जिसका हमारे अध्यक्ष ने बोला जो नाक काट के लेकर उसको 1.5-2 करोड़ का इनाम देते हैं, वो पादुकण की क्या औकात है जो फिल्म पद्मिनी का रोल करके डांसर कर रही है? आने वाले दिनों में आपका ये जो प्रदर्शन है उग्र प्रदर्शन, हमारा उग्र तो यही है, लेकिन अभी माँ उग्र, अगर गवर्नमेंट भंसाली को तो सब कुछ कर दिया, गवर्नमेंट इस पे सबक नहीं लेती है, जैसे राज्य की गवर्नमेंट, जैसे योगी जी का बयान आ गया, महाराष्ट्र प्रदेश मुख्यमंत्री का बयान आ गया और केंद्र सरकार ने सीधा मोदी जी और गृहमंत्री से बोलता हूँ, अगर आप इस पे कुछ जल्दी एक्शन नहीं लेते हो तो पूरे देश के राजपूत और हिंदू उग्र आंदोलन करेंगे। आने वाले दिनों में राजपूरे जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 20 तारीख को उनका भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन होने वाला है, उस वक्त तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और ज्ञापन में कहा जाएगा कि इस फिल्म पर बैन किया जाए, उस पर आपका क्या कहना है? जैसे मुख्यमंत्री को तो हमें सभी राजपूत संगठन जाके ज्ञापन दे चुके हैं और भी देंगे और मैं करनी चैनल के माध्यम से आज लाखों करोड़ों ज्ञापन 1.5 साल से दे चुके हैं, लेकिन आज तक गवर्नमेंट की नींद नहीं उड़ी। अगर गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री गृहमंत्री का बयान आता है इतिहास के साथ 6-7 साल बरसात नहीं होगी तो भारत सरकार क्यों सो रही है? क्यों नहीं सेंसर बोर्ड ये दिल में ले रहा कि लाखों लोग मैदान में है, आज ये चिंगारी कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर और पूरे देश में पहुंच चुकी है, तो गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले क्यों? अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो ये राजपूत कभी झुकेगा नहीं और राजपूत सिर कटाएंगे और सिर हत्या काटेंगे और इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। आने वाले वक्त में आप देख सकते हो कि राजपूतों का जो जुलूस है और जो इनका जो कहना है कि वो इस मांग पे अड़ंग है कि आने वाली फिल्म को बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए। कैमरामैन संदीप के साथ विक्रम सिंह कुंडीर, SCN TV न्यूज मुंबई। महा पद्मावती का जो ये संजय लीला बंसाली ने जो पिक्चर बनाया है, तो ये फिल्म पहले भी अकबर योद्धा ऐसे आगे भी बहुत पिक्चर बनाई है और पिक्चर तो दुनिया के सब लोग बनाते हैं, पिक्चर बनाने वाले को हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी माँ सती का जो अपमान हुआ है, वो हम राजपूत समाज के लोग कोई भी सहन शक्ति नहीं कर, पूरी हिंदू संगठन हो हम लोग को जो कोई सहन शक्ति इसमें नहीं कर सकते हैं। तो मैं निवेदन देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार या हिंदुस्तान के सारे अपने हिंदू लोगों के, ये भारत प्रशासन का सबसे बड़ा गलती है। क्यों? कि ये बोर्ड के अंदर में एक्चुअली रिलीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू संस्कृति को नीचे दिखाना तो कल समझ लो गए हमारे महाराणा प्रताप सिंह हो गए, हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी हो गए, वो शिवाजी महाराज भी हमारी राजस्थान की बिहारण की वही बीज है जो सिसोदिया राजपूतों से महाराष्ट्र में भोसले हुआ है। और उस फिल्म के अंदर एक सपना का एक दृश्य बताया है ऐसा, उसमें कि उसमें वो प्रेमिका बताते हो, अभी तो सुना है ऐसा कि वो भी उन्होंने कट कर दिया उसके अंदर। उसमें इस फिल्म में हमारा इतना बड़ा अपमान हो गया, ये पर्टिकुलर किसी एक क्षत्रिय वर्ण का अपमान नहीं है, समस्त हिंदू का अपमान है।
और इस हमारे मुहिम के अंदर आप देख रहे हैं कि पूरा इंडिया चल रहा है इसके अंदर उसमें, और हर बार हिंदू के ऊपर तुम फिल्म निकालते हो, तुम्हारे में हिम्मत है क्या मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर फिल्म निकालने की उसके अंदर? और एक दिन के अंदर बैन करते हो, अगर किसी आप ब्लैक फ्राइडे देखो या सन्स देखो, किसी भी फिल्म है क्या बोलते हैं यूपी के अंदर, तुम्हारे यूपी के अंदर मायावती ने एक मुसलमानों के ऊपर एक फिल्म निकाली थी, एक दिन के अंदर बैन कर दिया, क्रिश्चियनों के ऊपर निकाला, एक दिन के अंदर बैन कर दिया, और हमें रोड के ऊपर आना पड़ता है? हमारा हिंदू का देश है ये, हमारा हिंदू का देश होकर हमें रोड के ऊपर आना पड़ता है, बड़े शर्म की बात है। जबकि करणी सेना के अध्यक्ष का कहना था कि आने वाले दिनों में हम इस फिल्म के विरोध में पूरे भारत में अपनी राजपूत समाज और करणी सेना का जलवा दिखा देंगे। कैमरामैन संदीप के साथ विक्रम सिंह पुंडीर, SCN TV न्यूज़, मुंबई।